इशरा खान वेलकम टू इस समय पॉडकास्ट आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की हाई प्रोफाइल इलीट फैमिलीज़ और उनकी हाई प्रोफाइल इलीट करेक्टर्स की जो कि पोलिटिकल पर्सनैलिटीज़ भी रही पास्ट में और पाकिस्तान की तारीख़ में जब उनकी डेथ हुई तो वो एक आम डेथ नहीं थी नॉर्मल नहीं थी कोई नेचुरल डेथ नहीं थी ऐसा नहीं था कि नॉर्मली बस अल्लाह को प्यारे हो गए प्रॉपरली प्लान्ड स्ट्रेटिजाइज मर्डर मिस्ट्रीज है मर्डर था उनका मारे तो एक मर्डर मिस्ट्री बन जाती है क्योंकि हम लोग अब तक किसी के भी कातिल तक नहीं पहुंच सके बहुत इन्वेस्टिगेशंस हुई मैं बात करती हूँ मिस्टर लियाकत अली खान की फिर मैं बात करती हूँ जनरल हक की फिर मैं बात करती हूँ बेनज़ीर भुट्टो की अगर बेनज़ीर भुट्टो की बात करूँ तो उनके कत्ल को एसोसिएशन को वाइल शिवर्स इन अ रैली सोलह साल हो जाएंगे वी स्टिल फील क्योंकि हम कातल तक नहीं पहुंच सके लेकिन हमारे साथ ऑब्वियसली मिस्टर अब्दुल अब्दुलस्तार खान मौजूद हैं आर सीनियर जर्नलिस्ट इनसे मैं स्पेशली पूछना चाहूँगी कि इन पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ जो पाकिस्तान की तारीख में जिनके मर्डर जिनके जो दिखाने के लिए तो था कि नेचुरली हो गया बाई चांस हो गया लेकिन नहीं प्रॉपरली प्लैंड मर्डर था और मर्डर मिस्ट्रीज ही बन गए क्योंकि का, कातल तक तो हम नहीं पहुंच सके तो इनसे पूछूंगी मैं कि वट डज इ थिंक अबाउट इट वट इज़ स्पेशल ही नोज़ अबाउट ऑल दीज मर्डर मिस्ट्रीज़ जो कि हमारे साथ शेयर करें हमें बताए और ऑब्वियसली खुल के बातें आ जाएंगी सामने जि जिस हद तक वो हमारे साथ शेयर करेंगे अलक मुझे ये बताइए कि अभी आप सुन ही रहे थे कि आज हम मर्डर मिस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे स्पेशली पाकिस्तान की तारीख की फेमस पोलिटिकल पर्सनैलिटीज़ और कोई आम नहीं बल्कि फैमिली पोलिटिकल जो होते हैं ना जैसे एक फैमिली के जनरेशन आफ्ट जनरेशन चलती आ रही है पोलिटिकल फैमिलीज़ बेनजीर भुटो बहुत बड़ा वाकई है देखा जाए तो लेकिन और वो तो खुल क्या कहते हैं सबके सामने हुआ वो ऐसा भी नहीं कि किसी ने छुप छुपा चुप के किया पता ना चले वो तो सबके सामने एक ऐसे थी फिर अगर बात की जाए जनरल हक की तो वो जो प्लेन क्रैश था ऐसे नहीं हो जाता प्लेन क्रैश प्रॉपरली प्लान था उनको पता था इसने इस वक्त पहुंचना है फ़्लां ये टाइमिंग फ़्लां फँ फँ फिर अगर हम बात करते हैं लियात अली खान की और पीछे चले जाते हैं ना तो वो भी सबके सामने हुआ था व्हाइल ही वाज गिविंग एंड एड्रेसिंग टू दी पीपल्स पब्लिक अब आप मुझे बताएं टर्न बाय टर्न कि क्या माजरा था क्यों हुआ क्या वजह थी कौन उनके दुश्मन थे और क्या कत्ल करना ही उनके लिए उस वक्त क्या कहते हैं इस चीज का हल था उनको खत्म करना उनका कत्ल करना क्या डिजर्विंग था ये लियाकत अली खान पहले वजीर आजम थे पाकिस्तान के और उनको चार साल हुए थे वजीर अजम और उन्नीस सौ इक्यावन में वो अच्छा, उसी जगह पर रैली से खिताब कर रहे थे लोगों के इज्तम से खिताब कर रहे थे उसी एक जगह पर जिस जगह पर पर जिस बेनजीर भुट्टो का मर्डर हुआ तो लियाकत अली खान के मर्डर के बाद उस जगह का नाम बाग रखा गया था बिल्कुल तो लियाकत अली खान का मर्डर पहला मर्डर था एक वजर अजम मर्डर हुआ था जो पाकिस्तान का पहला वजीरजम था गलत बात है तो उसके बाद जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी होनी चाहिए उस तरह की इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी नहीं हुई उसमें एक बात जो है ना वो साथ लिंक करती है जो बहुत कम लोगों को पता है। वो ये है कि जब मोहम्मद अली जना कायज़म मोहम्मद अली जना ज्यारत में थे और बड़े अलील थे तो दो शख्स उनसे मिलने गए थे अनाउंस्ड वो एक थे लियाकत अली खान साहब जो वज़ी अजम थे पाकिस्तान के एक थे चौधरी मोहम्मद अली जो सेकटरी कैबिनेट डिवीज़न थे और चौधरी मोहम्मद अली बाद में पाकिस्तान के वज़र अजम भी बने थे ये दो बंदे जब मिलने गए थे तो ज्यारत में मिलने गए थे तो ज्यारत से कुछ फासले पर थे तब मोहम्मद अली जन् काजम को और मोहतरमा फातमा जना को पता चला कि वजी अजम और कैबिनट डिवीज़न के सेकटरी उनकी अयादत के लिए आ रहे हैं तो ये वैसे भी अचंभे वाली बात थी कि बाकायदा होता है कि एक वज़ी अजम आ रहा है ना कोई आम बंदा थोड़ी आ रहा है एक वज़ी अज़म आ रहा है उनसे मिलने के लिए तो जब वो दोनों आए उनसे मिलने के लिए तो मोहतरमा फातमा जना को ये कहा गया कि हमने मोहम्मद अली जना के साथ कायज़म के साथ खाना खाना है उस खाने में मोहतरमा फातमा जनानी थी ये तीनों थे उस खाने के बाद जब वो बाहर निकले घंटा सवा घंटे के बाद तो मोहतरमा फातमा जना ने देखा अपने भाई के चेहरे की तरफ तो वो कहती है कि वो अलील तो बहुत थे लेकिन ज़िंदा रहने की ख्वाहिश उनके चेहरे पर रहती थी जो उस दिन के बाद ख़त्म हो गई थी तो मोहतरमा फातमा जना ने कोशिश की अपने भाई से पूछने की कि आपके चेहरे पर ज़िंदा रहने की ख्वाहिश ख़त्म क्यों हुई तो कायज़म मोहम्मद अली जना कायज़म ने कुछ नहीं अपनी बहन को बताया उसके बाद मोहतरमा फातमा जना कहती हैं कि जब मैं हम लोग दोबारा बैठे आपस में तो लियाकत अली ख़ान साहब जो है ना लतीफ़े सुना रहे थे और चौधरी मोहम्मद अली खामोश बैठे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आई कि क्या बात हुई है कि मेरे भाई के चेहरे से ज़िंदा रहने की ख्वाहिश जो है ना मैंने अपनी आँखों के सामने देखा शदीद अलील हैं लेकिन ज़िंदा रहना चाहते हैं काजम मोहम्मद अली जना लेकिन इस मुलाकात के बाद उनके चेहरे पर ज़िंदा रहने की ख्वाहिश ख़त्म हो चुकी थी नहीं बताया का मोहम्मद अली जना ने अपनी बहन को अगर बता देते तो आज बेहतर होता उनकी बहन को भी पता चल जाता और हम कौम को भी पता चल जाता वो क्या बात थी जिसकी वजह से ज़िंदा रहने की ख़्वाहिश ख़त्म हो गई थी उसके बाद क्या हुआ उन्नीस सौ इक्यावन चार साल बाद ख़ुद लियाकत अली खान का मर्डर हो जाता है अब उस वक्त ये बात निकली थी कि इस मर्डर के पीछे हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट हो लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा सकता है हो सकता है जब लियाक़त अली खान मोहम्मद अली जना का एजम को मिलने गए थे तो शायद शायद इस्टेबलिशमेंट को मैसेज देना चाह रहे थे जो उसने उन्होंने मैसेज दिया हुआ और फिर उन्नीस सौ इक्यावन के बाद एक चीज़ हुई थी जो कि लोगों के पब्लिक परसेप्शन में आ गई थी कि शायद लियाकत अली खान का मर्डर अमरीका ने करवाया उसके बाद अमेरिका तो नहीं बोला लेकिन कुछ साल बाद कुछ साल क्या पंद्रह बीस पच्चीस साल बाद सी की जो फाइलें होती हैं क्लासिफाइड वो कुछ अरसे बाद उसको डी कर दिया जाता है तो उसी तरह की एक फ़ाइल थी सी की लियाकत अली खान के ऊपर जब वो डी क्लासीफाई हुई तो उसमें लिखा था कि रूस ने कि रूस ने रूस की केजीबी ने जो उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी थी उस वक्त उसने बाकायदा एक इसको प्रोपिगेट किया पाकिस्तान के लोगों के जहन में डालने की कोशिश की कि इस मर्डर के पीछे लियाकत अली खान के मर्डर के पीछे अमरीका है तो उस फाइल में सी आई ए के लिखा हुआ था कि ये रूस का था कि रूस ये बताना लोगों को चाह रहा था ख़ासतौर पर पाकिस्तान के लोगों को और इस तरह के तीसरी दुनिया के जो ममालिक लोगों को बताना चाह रहा था कि ये अमरीका है जो इस तरह की हरकतें करता है और ये लियाकत अली खान वर्ल्ड ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे थे अब देखा जाए दूसरी तरफ तो देखा जाए तो लियाकत अली खान के ही दौर में हम अमेरिका के करीब हुए और रूस से दूर हुए थे अब ये भी एक अपनी जगह पे अटल हकीकत है रियलिटी है हाँ जी। तो ये हुआ था अगर लियाकत अली खान के मर्डर की इंक्वायरी हो जाती इन्वेस्टिगेशन हो जाती तो जो शकूक व शुबात हैं उस शकूक व शुबात में पाकिस्तान के भी अंदर और पाकिस्तान के बाहर भी लोगों की निगाह जाती है तो ये पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर लोगों की निगाह न जाती अगर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाती वो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई और उसकी जगह पर कुछ ऐसी हेर से चलना शुरू हो गई जिसका कोई तुक नहीं था वो टेबे थे तुक्के थे जो लगते रहे कोई कहता किसी ने मारा कोई कहता किसी ने मारा लेकिन अगर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट हो जाती तो लियाकत अली खान के बारे में ये बात आज तक ना पूछी जा रही होती कि उसके कत्ल करने में कौन मुलव था कोई मुल्क में मुलव था या मुल्क की शख्सियत मुलव थी या मुल्क के इदारे मुलव थे या बैरून मुल्क के इदारे मुल थे बस तो मुझे ये बताएं सर कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो हैं वो हमारी इतनी स्मार्ट है इतनी इंटेलिजेंट है उन्होंने दोबारा तहकीकात क्यों नहीं की दोबारा ट्राई टू फाइंड आउट द द्रूथ ओपनली मर्डर हुआ था सब सबने देखा सारे आम हुआ था था विटनेस्ड विटनेस्ड उस दौर में जो हुआ था। क्यों इस चीज़ को फिर हमने दोबारा क्यों नहीं इसको आगे ट्रैक किया के देखा जाए भाई मर्डर के बाद लियाकत अली खान साहब के मर्डर के बाद उन्नीस सौ इक्यावन से, से लेकर उन्नीस सौ अट्ठावन तक सात सालों के दौरान पाकिस्तान के छः वजी अजम आए थे और छः वजीर अजम इस तरह आए थे जैसे लगता था कि किलबन किराए पर आए हुए हैं रेंट पर लिए गए एक साल किसी को होता था आई आई चंद्रीकर को तो पूरी तरह दो महीने भी नहीं हुए थे तो यही सिलसिला चलता रहा कि एक, एक तानी थी कोई वजीर अजम भी इलेक्शन लड़के नहीं आया था उन्नीस तक पाकिस्तान की तारीख़ में उन्नीस तक कोई वजी अजम नहीं आया था सात वज़ी अजम आए थे और लियात अली खान के मर्डर के बाद छः वज़ी अजम आए थे उन्नीस सौ इक्यावन से उन्नीस सौ तक कोई इलेक्शन जीत के नहीं आता था वो यही होता था कि चार बैठे हुए उनका हाथ पड़ गया तो उन्होंने अपनी पसंद का बंदा वजी अजम करा दिया और फिर दूसरे चार जो बैठे हुए थे उनका वक्त आया तो उन्होंने उसी की टांग खींच ली तो ये चीज़ें चलती रही अब इस पर अगर मुल्क का सारी सूरत हाल इसी पर फोकस हो जाए तो लियाकत अली खान का मर्डर को किसने प्रोप करना जब आप कह रहे हैं कि जी मैं आ रहा हूँ तो मैं रहूँ दूसरा कहता है जी मैं आ रहा हूँ तो फिर मैं रहूँ ये क्यों चल रहे और अब वहां से लेके अब तक देखिए यही चल रहा तो इसी में हुआ था और ये चीज़ सूट करती थी बहुत बड़ी हद तक स्टेब्लिशमेंट को भी सूट करती थी फौज को भी सूट करती थी ब्यूरोक्रेसी को भी सूट करती थी कि अच्छी बात है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ना वो इसी खिनचातानी में रहे कि जी मैं वजीर आजम बनना है तो वो उनके लिए ये था कि वो स्टेबल थे पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान की स्टेबल नहीं थी 1947 फोटी सेवन ऑनवर्ड फौज भी स्टेबल थी ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ ब्यूरोसी जो सिविल ब्यूरोसी वो भी स्टेबल थी ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ पोलिटिकल लीडरशिप स्टेबल नहीं थी इनका अपना बंदा मारा गया था पाकिस्तान का पहला वजे अजम लियात अली खान मारा गया था और उसके बाद वही पोलिटिकल लीडरशिप थी जो इसी कोशिश में रहती थी कि मेरे ग्रुप का बंदा आ जाए या मैं आ जाऊँ अगर किसी और ग्रुप का आ गया तो फिर खेंचात आनी शुरू होती थी कि इसको गिराया जाए इसको लटाया जाए लौटा तब से देखिए उसमें का मर्डर की इंक्वारी नहीं हो सकती थी वो जिस तरह थी थी तो ये वजह चलिए अब हम बात करते हैं उनके बाद जनरल जयाहुल खाते हैं और बहुत से लोगों को ये जो पर्सनालिटी है जनरल जयाल की नहीं पसंद बहुत से लोग एडमायर भी करते हैं अब तक चाहने वाले भी हैं और नापसंद करने वाले भी हैं अब लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें ना तो कभी किसी ने उस वक्त ये नहीं सोचा था कि जनरल जयाल्हक प्लेन में जा रहे होंगे एक आम नॉर्मल रूटीन में और बूम प्लेन क्रैश प्रॉपरली प्लान स्ट्रेटेजाइज और इसमें तो उनके साथ कुछ और भी मौजूद थे डेजिग्नेटेड हाई प्रोफाइल डेजिग्नेटेड पर्सनैलिटीज वो भी साथ ही तो उसके बारे में बताएं जब के जनरल जयाल हुकूमत ये जब फौजी डिक्टेटर आता है तो वो कोई मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट के तो फिर आता है जनरल जयाल्क ने ल्फर अली भुटो की हकूमत का तख्ता उलटा था उस वक्त ये बात ज़ुबान जद आम थी कि अमरीका जो है वो ल्फ़ार अली भुटो के पीछे पड़ा हुआ ठीक है अब उसमें यह था कि जब अगर अमरीका पड़ा हुआ है पीछे और ज़याुल्क ने फ़ौज ने हकूमत का तख्ता उलट दिया है तो उस वक्त जो सियासी मुखालफ थे अली भुट्टो के उन्होंने एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि हम जनरल जयाल्लाहा की कैबिनेट क्यों ज्वाइन करें यह तो फौजी डिक्टेटर है, है। सही ठीक है।, है।, है लेकिन उनकी सियासी मुखालफ जो थे जुल्फिकार अली भुट्टो के जो जुल्फिका अली भुट्टो के खिलाफ जिन्होंने उन्नीस सौ सतहत्तर का इलेक्शन लड़ा था जी। वो जनरल जयाल्हाक की कैबिनेट में चले गए और जब जनरल हक ने उन्नीस सौ जब अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर हुआ उसके बाद ने अपनी वो कैबिनेट बर्खास्त कर दी जिसमें वो सारी सियासी रहनुमा थे यानी कहने का मतलब ये था कि वो वेरी लाउड एंड वेरी क्लियर मैसेज दे रहा था कि थैंक यू शुक्रिया मेरा साथ देने का जुल्फिका अली भुट्टो को फांसी लगाने का है। जब ये हुआ तो लोगों के ज़ेन में एक बात जो हक के बारे में लोग मिसकंसेप्शन में गए हुए थे पाकिस्तान के लोग उसमें सियासी लीडरशिप भी थी वो ये थी कि हक ज्या, को बेवकूफ़ समझा जाता था हक एक अच्छा ख़ासा शरूट इंटेलिजेंट अल्ट्रा जीनियस आदमी था ये लोगों को समझ आई पोलिटिकल लीडरशिप को समझ आई कोई तीन चार पाँच साल बाद जाके कि ये तो अच्छा खासा शरूडा आदमी है उस पर यह हुआ कि अफ़ग़ानिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दी रूस ने अमेरिका आ गया पाकिस्तान की चूंकि पाकिस्तान को फ्रंट लाइन जो अलाइज होते हैं वो बनने का शौक है पाकिस्तान को जब कभी भी ऐसा वक्त होता है हम अपने आप को पेश कर देते हैं कि जनाब आप हमारा इस्तेमाल कर लें और हम पूरी तरह अपनी कीमत भी वसूल नहीं करते हम थोड़े बड़े पैसे जो होते हैं ना उसमें चल जाते हैं तो हक को ज़रूरत थी कि ऑफिशियली इस तरह का हो कि अमरीका और वेस्ट पूरे का पूरा उसके पीछे आ जाए तो अफगानिस्तान की पॉलिसी चली जब अफगानिस्तान की पॉलिसी चल गई ख़त्म हो गई रूस टूट गया गोरबा चौप ने डिसमेंबर कर दिया पूरे रूस को उसके बाद अमरीका को जरूरत नहीं थी किसी किस्म की अमेरिका जो पॉलिसी चाह रहा था फ़िकार अली भुट्टो जनरल जियाल अख उस पॉलिसी पे नहीं आ रहे थे जनरल जयाल्ख ने महसूस कर लिया था कि अब अमेरिका जो है ना वो मेरे साथ नहीं है नौ साल ग्यारह साल मेरा साथ देने के बाद अब अमेरिका मेरे साथ नहीं है क्योंकि मोहम्मद ख़ान जुनेजो वज़ी अजम बने थे मोहम्मद ख़ान जुनेजो लोग लोग उसके बारे में जो मर्ज़ी कहें वो हैंड पिक्ड थे वो हुर थे और पीर पगाड़ा ने कहा था कि मेरा हर वज़ी अजम बनेगा वही हुआ था मोहम्मद ख़ान जुनेजो जो पीर पगाड़ा के हुर थे लेकिन मेरी नज़र में जितनी मैंने अपना जर्नज़्म की है मेरी नज़र में पाकिस्तान का जो सबसे बेस्ट वजे अजम था वो मोहम्मद ख़ान जुनेजो जो था कोई जो मर्जी कह ले मोहम्मद ख़ान जुनेजो जो ने उस पर जिनेवा कॉर्ड हो रहा था अफगानिस्तान के ऊपर जयाओल चाह रहा था कि मोहम्मद ख़ान जुनेजो साइन ना करें लेकिन मोहम्मद खान जिन्होंने जिन्होंने तय कर लिया था कि यार हम लोग क्यों दूसरों की लड़ाई में अपना मुंह काला करते फिर उसने साइन कर दिए थे डिस्पाइट फैक्ट के जया नहीं चाह रहा था कि जिनेबा अकॉर्ड पे साइन करे उसका उसी का हैंड पिक्ड वज़ी अजम साइन करे तो उन्होंने साइन किया उसके बाद ओजड़ी का एक ऐसा मामला हो गया था कि उस पे मोहम्मद ख़ान जिन्होंने जिन्हें कहा था कि मैं पूरी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करूंगा कि ओजड़ी कैम्प में क्या हुआ था ये असला कैसे चला जैसे बहुत सारे लोग सिविलियन मारे गए थे जिसमें शायद खाकान आब्बासी के वाल साहब जो थे खाकान आब्बासी वो भी मारे गए थे तो उस पे ये बात थी अब जयाक जनरल जया को पता था कि अमरीका मेरे पीछे से हट गया है मुकम्मल तौर पर अब ये इतना पता था कॉमन सेंस ही होती है ना बंदे की वो बंदे को इस काबिल कर देती है को महसूस करना शुरू करेगा कल तक मेरे पीछे था अमेरिका और मैं फौजी डिक्टेटर होने के बावजूद नापसंदा बंदा होने के बावजूद मैं 11 साल तक हुकूमत कर गया है। तो जब ये जहाज का क्रैश हुआ था उस जहाज़ के क्रैश के बाद जिस किस्म की इंक्वायरी होनी चाहिए थी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी उस लेवल की ना इंक्वायरी हुई ना इन्वेस्टिगेशन हुई एक बात लोगों के जहन में बैठ गई या बिठा दी गई कि उस वक्त वाइस चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ थे जनरल बेग साहब थे जनरल बेग साहब वाइस चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो उस जहाज़ में सवार नहीं हुए थे बाकी फ़ौज की पूरी क़्यादत डी जी आई एस आई उस जहाज़ में सवार था चलते चलते जनरल जयाउल हक ने अमरीकी सफीर को भी कह दिया कि आप भी आ जाएँ जहाज में तो उनको नहीं पता था जो अमे... जो ये थे... कहा जाता है इसकी कन्फर्मेशन आज तक नहीं हुई लेकिन ये कहा जाता है कि चलते चलते जनरल जयाउल हक ने कहा अमरीकी सफ़ीर को राफेल को कहा कि आप भी हमारे साथ जहाज़ में आ जाए जब वो भावलपुर से वापस आ रहे थे तो उस वक्त ये था कि वहाँ पे जंगों की एक एक्सरसाइज हो रही थी टैंकों की वो टैंक अमरीकी थे तो अमरीकी सफ़ीर भी गए हुए थे अब उन्हें नहीं पता था कि ये जाते जाते मुझे भी साथ ले लेगा और उसके बाद जो कुछ हुआ इजाज़ुल हक एक ऐसा शख्स है जो कि जिया उल्क का बेटा है उसने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से वो भी जनरल बेग जो था उसके बारे में उसके बड़े डूबियस किस्म के वो थे कि जनरल बेग का जो रोल था बड़ा डूबियस हो गया था क्योंकि वाइस चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ था उसके बाद उसी ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनना था और वो फिर बना जब जयाल्क की डेथ हो गई जहाज़ पट गया ये बात कही थी उस वक्त का जो सदर बने थे ना ग़ुलाम इस खान जी। उन्होंने कौम को टीवी पे बताया था कि जहाज़ पट गया वो क्योंकि पठान थे ना वो फट गया की ना, पट गया कि बजाय ना उन्होंने कहा पट गया ठीक है ठीक है तो ये जहाज जो पट गया उसके बाद जो चीज़ होनी चाहिए थी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में वो बिल्कुल नहीं हुई तो जनरल की बात करते हैं आप डू यू थिंक कि उन्होंने इनकार कर दिया प्लेन में बैठने से नहीं उस प्लेन में वो वाहत में वो वाहि था वाहन था जो नहीं बैठा, ना? जो नहीं बैठा था लेकिन अब वो बैठना ना वो... बैठने की क्या वजह थी क्या उन्होंने बैठना था नहीं बैठे या उन्होंने बैठना ही नहीं था है? हमेशा हर चीज को मिस्ट्री में जब रखा जाता है ना तो मिस्ट्री बहुत सारे सवाल उठा देती है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ क्योंकि उसके बाद वो चीफ़ ऑफ़ द आर्मी स्टाफ बने और फिर वो इस तरह के चीफ़ ऑफ़ द आर्मी स्टाफ बने कि जिनके बारे में ये कहाता है कहा जाता है कि जनरल बेग वो चीफ़ ऑफ़ द आर्मी स्टाफ थे जो चाह रहे थे कि जब उनकी रिटायरमेंट हुई तो दो साल की कंडीशन होती है इनके कि आपके रिटायरमेंट के दो साल बाद आप पॉलिटिक्स में आ आ सकते हैं लेकिन जनरल बेग साहब चाह रहे थे वो कंडीशन ख़त्म हो जाए कि मैं यहाँ पे रिटायर हूँ साथ ही मैं सियासत में चला जाऊँ वो कंडीशन हटा नहीं सके थे वो अब ये भी वजह थी कि उनको क्या पड़ी हुई थी कि वो कंडीशन हटाएं आपका काम है आप जर्नैल हैं आप फोर स्टार जनरल हैं फौज के सिपा सला रहे हैं आप रिटायर होकर घर जा आराम से कॉफ़ी पिएँ गोल्फ खेलें जो होता है और अगर पॉलिटिक्स में भी आना तो दो साल बाद आएं तो ये सारी चीज़ें थी जिन जिसने जनरल हक की डेथ को भी आज भी एजाज़ हक के ऊपर जो कहते हैं ना कि उनका एक रग ऐसी है हक की जो उनका बेटा है कि उसके रग को छेड़ना हो तो आप हक की मौत का जिक्र कर दें उसके सामने एकदम से एजाज़ हक जो है ना वो बिल्कुल और तरह के हो जाएंगे अब सब कुछ होने के बावजूद एजाज़ हक ख़ुद भी हुकूमतों का हिस्सा रहे नवाज शरीफ की कौन सी हुकूमत थी जिसमें हक को वजीर ना हो

कोई माल फंक्शन होता है तो वो क्रैश कर गया किसी जगह लग के गिर के या व्हाट वाज द रीजन कुछ तो पता चला होगा ना एक करेक्टर था हंसी क्रोनी जी उसकी डेथ भी हुई थी जहाज के क्रैश में वो जो अफ्रीका ने कहा था कि आई रिमेंबर लेकिन जब उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आई थी जब सिविल एविएशन ने रिपोर्ट दी थी कि ये वजह क्या थी एक तो मौसम की खराबी थी पायलट का एरर था हाँ। बात क्लियर हो गई उससे पहले बड़ी बातें थी, थी।, थी। कि जी अंडरवर्ल्ड ने मरवा दिया उसे वो ये था वो मैच फिक्सिंग में था वो कहीं के नाम ले सकता था वो ये कर सकता लेकिन वो खत्म होगी बात अब ये जो जनरल जयावल्ला का जहाज था वो जिस तरह उड़ रहा था वो ऐसे लग रहा था जैसे जहाज कोई अटके लिया नहीं कर रहा होता कोई फिल्म चल रही हो उसमें आप गाना देखते हैं हिरोइन आगे हीरो पीछे अटकेलियाँ करते हैं तो ये जहाज भी हवा में अटकेलियां कर रहा था ठीक है। अब अटकेलियाँ क्यों कर रहा था यार ओके। देखो ना अगर जहाज सीधा जा रहा हो और कैश कर जाए वो एक और बात होती है एक जहाज होता है कि जहाज ऐसे ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ अल्टीमेटली नोज डाइव। जी नोज डाइव में काम हो गया फिर बाद में बात आई आम आमों की पेटियां किसने रखी थी अब ये बातें जो होती हैं ना ये इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन को फर्दर डिस्टॉर्ट करने के लिए आम कहाँ से आए थे आम की पेटियां रखी गई अगर उसी पे इंक्वायरी हो जाती कि वाकई आम परपजली रखे गए थे इसी काम के लिए तो आम आए कहाँ से थे आम की पेटियां आई कहाँ से थी लेके कौन आया गुजर के तो उसी सारे पैनल से वो वो, एक ऐसा तो जहाज था, था। जिसपे तकरीबन तकरीबन जनरल बेग को निकाल के तक, तकरीबन तकरीबन बाकी जो फौज की क्यादत थी वो बैठी हुई थी अमरीकी सफीर था तो अब ऐसे जहाज में ऐसे जहाज़ में आप थर्टी था ऐसे जहाज में आप आम की पेटियां अगर एक्सेप्ट करते हैं जब ये लोग इन्होंने एक्सेप्ट की होंगी तो आम की पेटियां गई होंगी उसके बाद ये था कि जी वो जो पायलट था वो खामोश हो चुका हुआ था खामोश की भी समझ नहीं आई कि खामोश हो चुका था क्या वो हरकत ही नहीं कर रहा था उसे पता ही नहीं था जहाज ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है यानी उसे नींद आ गई थी गलूदगी हो गई थी उसे टीका लगा दिया गया था या वो बेहोश हो गया था अजीब मगरीब अब ये सिर्फ उस सूरत में होता है कि आपकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कोई प्रॉपर तरीके के हुए जहाँ आप इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में कह सकते हैं कि ये एस्पेक्ट जो है ना इस इन्वेस्टिगेशन का वो रिजॉल्व नहीं हो सकता उसमें बहुत सारे शवायद की कमी है बहुत सारे लिंक मिसिंग है तब जाके कहते हो जब सिरे से उस तरह की इंक्वायरी हुई ही नहीं तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि यही जो हिस्सा था इंक्वायरी का इन्वेस्टिगेशन का वीक था उस सिरे से उस तरह से जैसे जिसको इंक्वायरी कहते हैं इन्वेस्टिगेशन कहते हैं अब यही होता है कि ला लामाला फिर बाद में आपके जहन में आता है कि जो बड़े से बड़ा आपके जहन में आ जाए चाहे वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है उसको बीच में इन्वॉल्व कर लो क्या हो रहा ही कम है लेकिन अब नहीं रिजॉल्व हो रहा तो मेरे जहन में यही आएगा यार सबसे तगड़ा कौन है पाकिस्तान में कौन सा जो था बेनिफिशरी था तो बेनिफिशरी वही होता है जो बहुत ही तगड़ा होता है चाहे पाकिस्तान के अंदर हो चाहे पाकिस्तान से बाहर हो फिर उसके ऊपर आ जाता है फिर वो मरे टेबे चलते हैं क्योंकि कॉम पूरी कॉम टेबे और तुकों पे लगी हुई है हेर से पे लगी हुई है फिर ये हेरसे उन्हें पता है जो करने वाले उन्हें पता है ये किसी और मुल्क में हो पीछा ना छोड़ें वो वो कि जी इन्वेस्टिगेशन हमें पसंद था नहीं पसंद था इंक्वायरी तो बनती है लेकिन आप कल्चर बन जाता है, है। आप, अब जब उन्हें पता, तो चलाई जा रही है धक्का गारी अच्छा एनी अगर हम बात करते बेनजीर की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर मोस्ट एजुकेटेड लेडी एक पोलिटिकल जनरेशनल फैमिली को लेकर चल रही थी कंटिन्यू करी थी अपने फादर की और डेडिकेटेड वुमेन थी मतलब शी एक शी वॉज अ मदर एज़ वेल अपने बच्चों को उन्होंने साइड भी किया जलावतनी काट के वापस आई थी दो हज़ार सात में तैयारी कर रही थी इलेक्शंस की ही उस वक़्त दिसंबर की बात है अभी सताईस को उनकी सोलहवीं बरसी हो जाएगी पूरी तो उनका तो खुलेआम डायरेक्ट उनकी गर्दन पे शॉट डेड जिसे कहा जाता है लेकिन उनके जो हस्बैंड है आसिफ जरदारी मिस्टर आसिफ जरदारी मेरे ख्याल से उन्होंने भी इतनी कोई खास इन्वेस्टिगेशन नहीं की ही डिट फील लाइक आउट द एग्जैक्ट ट्रूथ नॉर हर चिल्ड्रन तो वा, वाई आप आप क्या कहते हैं इस बारे में बेनज़ीर भुट्टो जो थी 2009 में एक शख्स बाई एक्सीडेंट बाई चांस पकड़ा जाता नौ में उसका नाम है मेजर हारून आशिक ठीक है वो बाई चांस पकड़ा जाता है वो किसी एम को शिफ्ट कर रहा था पेशावर से कराची उसको बेहोश किया हुआ था वो गाड़ी में था उसकी हरकत जो थी उससे मूव हुआ उससे एक टैक्सी वाले ने नोट किया कि यार ये सस्पिशियस है बंदा लगता है अंदर जो डाला गया है वो होश में नहीं है होश में आ रहा है ये बंदा मशकूक लगता है उसने इतला कर दी कि जी इस तरह से एक मशकूक बंदा है। और ये मशकूक गाड़ी है और ये हालत है तो पुलिस आ जाती है पुलिस को नहीं पता वो बंदा कौन है वो पकड़ लेती है पकड़े जाने के बाद पता चलता है कि ये तो मेजर हारून आशिक है जो कि अलकायदा की मजल से शुरा का मेंबर है पहला पाकिस्तानी अलकायदा की मजल से शुरा का मेंबर अब जब वो पकड़ा जाता है उस पकड़े जाने के बाद मेजर हारून आशिक जो थे उनकी वजह से ये बात सामने आती है कि अलकायदा, उसाम बिन लादन, अल जो अबू उबैदा अलमसरी बैतुल्ह मसूद ये सब नाम पहली दफ़ा आए थे उससे पहले कोई मान नहीं रहा था वो नाम आए थे लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी जो एक चीज़ थी जो इंटेरोगेटर के साथ स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई इंटरोगेटर इन्वेस्टिगेटर के साथ जी। उम्मीदर हारून की ये थी कि हमें उम्मीद थी कि हम अल्टीमेटली बेनज़ीर को मार देंगे तो पूछा गया कि उम्मीद किस चक्कर में थी आप लोगों की उन्होंने कहा ये बाज नहीं आती थी इसको पता था कि हम इसके पीछे मंडला रहे हैं ख़तरा इसके सर पे मंडला रहा है इसको कत्ल कर दिया जाएगा लेकिन जब भी कोई जलसा जुलूस होता था ये लोगों में आ जाती थी उनने कहा इसी वजह से हम उम्मीद से थे कि अल्टीमेटली हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और यही हुआ कि अल्टीमेटली हम अपने मकसद में कामयाब हो गए क्योंकि ये बाज ही नहीं आ रही थी ये उन्नीस से निकल रही थी उन्नीस से उसके सर पे ख़तरा ये मंडला रहा था और उसे खुद पता चला जब वज़ी अजम बनती थी तो उसके ऑफिशियल फाइलों में उसके सामने ये बात आती थी कि तुम्हें तो फ़लानी फलानी, फलानी जगह में मारने की कोशिश की गई जिसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया तो ये अल्फ़ाज थे मेजर हारून आशिक के जो इन्वेस्ट अब मारने वाला जब आपकी तारीफ़ कर रहा हो तो फिर कोई गुंजाइश नहीं रह जाती एक होता है आप अपनी तारीफ ख़ुद करते हैं मैं बड़ा दिलेर जी मैं बड़ा बहादुर जी मैं बड़ा नडर जी, जी। ये तो हर एक कोई कहेगा लेकिन जो आपको मारने वाला जब वो ये कह दे कि ये इतनी बोल्ड और ब्लंट औरत थी डेरिंग औरत थी कि हमें पता था कि इसने निकलना ही है इसने बाहर निकलना है तब भी हम बार बार अटैम्प्ट करते रहे और अल्टीमेटली हम सत्ताईस दिसंबर 2007 को कामयाब हो गए अब उसकी बात यह है कि वो इन्वेस्टिगेशन वो इंक्वायरी ऐसी है जो एक किसी एक इदारे ने नहीं की जे भी एक से ज्यादा बनी यू ने भी इस पर इंक्वायरी की स्कॉटलैंड पे इस, इस पर इंक्वायरी की एफ ने इस पर इंक्वायरी की पंजाब पुलिस ने इस पर इंक्वायरी की आई की एम के खतूत हैं है। इंटरनल कॉरस्पोंडेंस है जो कि इंटरनल कॉरस्पोंडेंस वो होते हैं जो पब्लिक नहीं होती ना ही इंक्वायरी की कोई ऐसी चीज़ होती है वो तो जब वो पब्लिक करें तब आपको पता चलता है कि ये इंक्वायरी हुई है तो जगह जगह पे फ्लॉज थे जगह जगह पे लिंक मिसिंग थे जगह जगह पे जो एविडेंस थे जो कुशल एविडेंस होते हैं वो डिस्ट्रॉय थे अब इनके साथ फिर इन्वेस्टिगेशन करा लें इन, इनके बगैर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना लॉजिकल कंक्लूजन तक जाना वो दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है जब आपके लिंक ही मिसिंग है जो बंदा आपको चाहिए जितने टीयर्स बने हुए थे साठ टीयर्स बने हुए थे अब साठ टीयर्स में से अठारह लोग थे अठारह में से तो ग्यारह बगैर गिरफ्तार हुए मारे गए तो आपने किस तरह से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है? जो सबसे टीयर होता है ये जब भी इस तरह का कोई प्लान बनता है जिसमें कोई इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती जो मिलिटेंट्स होते हैं या फिर रफ़ एलिमेंट इस्टेब्लिशमेंट का होता है तो फिर वो उसको अमली जामा पहनाने के लिए मुख्तलिफ टीयर मुख्तलिफ़ सेल बनाता है उसकी खूबसूरती ये होती है कि जो सबसे नीचे सेल है वो है जिसने खुदकुश बंबार जिसने अपने आप को ब्लास्ट करना उसको सिर्फ हैंडलर का पता है हैंडलर से ऊपर कौन है उसे बिल्कुल नहीं पता ऐसी है, है। अब हैंडलर जो है हैंडलर को सिर्फ फेसिलिटेटर का पता है फैसिलिटेटर से ऊपर का नहीं पता फैसिलिटेटर को प्लानर का पता है प्लानर से ऊपर का नहीं पता प्लानर को इमेजरीज का या ओवरऑल जो सुपरविजन कर रहा है उसका पता है उसके बाद मास्टर माइंड और फाइनेंसर आ जाता है। अब ऊपर की तीन टीयर्स ले लो मास्टर माइंड फाइनेंसर उसामा बिन लादम बग़ैर गिरफ्तार हुए मारा जाता है एपटाबाद कंपाउंड में जो एमरे थे थे वो अबू बैदा अलमसरी था और बैतुल्ला मसूद थे वो भी बग़ैर गिरफ्तार हुए मारे गए फिर तीसरी जो स्टेज आती है प्लानर्स वो तीन प्लैनर्स थे वो एक अजीज़ुल्ला साहब थे जिनको मौलवी साहब कहा जाता था एक नसीब खान थे एक इबादुलरहन थे वो तीनों मारे जाते हैं अब मा, मास्टर माइंड वो मारा जा चुका है एम मारे जा चुके हैं प्लैनर्स मारे जा चुके हैं फैसिलिटेटर्स चार हैं चार में तीन मारे जा चुके हैं कोई नहीं पकड़ा गया बगैर पकड़े गए वो मारे गए हैं तो इन्वेस्टिगेशन कैसे इम्पॉसिबल टू कनेक्ट एंड गेट ऑब्वियसली कनेक्टिंग डॉट्स तो वही बीच यू यू इसमें, इसमें होता यह है कि जिस सतह पर जाके चीजें होती हैं ना उस सतह तक पहुंचना हम जैसे बंदे का बस में नहीं होता अगर मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ तो मेरी एक्सेस जिस इंफॉर्मेशन तक होगी मैं मुझे वही इन्फॉर्मेशन मिलेगी उससे आगे तो नहीं मिलेगी मतलब मैं कोशिश करता रहा कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके लिए मैं कोशिश करता रहा बड़ी कोशिश की जब ये बेनदीर भुट्टो का मर्डर हुआ था उसके बाद की मैं बात करूँ लेकिन मेरी एक्सेस नहीं हो सकी उस इंफॉर्मेशन तक पहुँचने की तो इन्फॉर्मेशन है लेकिन मेरी एक्सेस नहीं हो सकी अब आप देखो कि एक जो इवन मीडिया का जो पर्सन है उसकी कितनी बेचारे की एक्सेस होगी वो अपनी तरह से पूरी तरह फुल फ्लैज फुल थ्रोटल नहीं होता कि जहाँ उसकी एक्सेस भी हो उसकी पेनट्रेशन भी हो उसे चीज़ें मिल भी सकती हूँ उसे चीज़ें मिल जाए वो बात और होती है अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है इन्वेस्टिगेशन में एक जे आई टी आती है वो पंजाब पुलिस करती है पंजाब पुलिस का जो काउंटर टेरिज्म डिपार्टमेंट का हेड था एडिशनल आई जी था वो था अब यू यू की कमीशन रिपोर्ट जो थी उसकी इन्वेस्टिगेशन में लिखा हुआ था कि इसको तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करनी आती उसके बाद दूसरी जी बनी फिर तीसरी जी बनी फिर एक जे बनी जो कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे खालिद कुरैशी साहब एफ के वो जे के हेड थे उसके ऊपर यू कमीशन ने कहा था कि ये इसने बहुत सारी चीज़ें पीस टुगेदर वेरी डिफरेंट बट इम्पॉर्टेंट पार्स ऑफ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जी उसको इकट्ठा किया है लेकिन इसके बावजूद भी एक बात आती है कि जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल खालिद कुरैशी साहब थे उनसे अदालत में ये बात पूछी मलक रफ़ाकत था एक वकील जो कि सऊद अजीज़ और ख़ुरम सईद दो पुलिस वाले थे जिनको सजाएँ हुई थी बेनजीर भुट्टो के मर्डर में दो तो पुलिस वालों को सजाएँ हुई कि आपकी कोताही थी और जो पाँच नॉमिनेटेड थे नॉमिनेटेड सस्पेक्ट थे मुलज़म थे जो भी कह रहे उनको रिहा कर दिया था अदालत ने तो मलक रफाक रफाकत ने सवाल किया था कि जे आई टी के सरबराह हैं क्या उन्होंने त, उन तीन लोगों को उन तीन लोगों की स्टेटमेंट दी जिनके बारे में बेनजीर भुट्टो ने अपना जो अमरीकी लॉबियस था बेनज़ीर का मार्क्सैगल उसको कहा था ये तीन बंदे मैं मर्डर हो जाऊँ तो ये तीन बंदे नॉमिनेट मैं कर रही हूँ एक जनरल हमीद गुल था डी जी आई एस आई साहब का एक चौधरी परवेज राय था एक शाह था अब वो दो हजार सोलह में जे आई टी ने खालिद कुरैशी ने अदालत को बताया कि हमने इन तीन के स्टेटमेंट लिए ही नहीं करना चाहिए था ना? अब ये तुम देखो कि जो जो चीज़ें हुई अब वो खालिद कुरैशी साहब जब शुरू हुए थे तो पी ये पीपल्स पार्टी का दौर था बेनजीर भुट्टो जब कत्ल होती है तो बेनज़ीर भुट्टो के बारे में यह कहा जाता है कि उसके बाद जो 2008 में वफाकी हुकूमत बनी थी वो जस्ट बिकॉज़ बिकॉज ऑफ वन रीज़न के बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जान दे दी थी अब उसकी जान देने के बाद उसके जान देने की वजह से जो हुकूमत बनती है पीपल्स पार्टी वो किस तरह की कोतायाँ कर रही थी उस वक्त तो जनरल परवेज़ मुशरफ़ नहीं था उस वक्त तो नवाज शरीफ नहीं था उस वक्त तो कोई फौजी डिक्टेटर नहीं था उस वक्त तो आपकी अपनी हुकूमत थी आपकी अपनी हुकूमत को चाहिए था कि आप प्रॉपर तरीके की इन्वेस्टिगेशन लेकिन लगता है कि आसफ अली ज़रदारी के हाथ में भी बहुत कुछ नहीं होगा जैसे पाकिस्तान में देखने में आता है कि आप सदर तो बन जाते हैं आप वजीराज तो बन जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं होती जो आप करना भी चाहते हैं वो आप नहीं कर सकते उसमें यह हुआ था अब ये कुतायाँ छोटी छोटी कुताइयाँ थीं लेकिन इस तरह की छोटी छोटी कुताइयों को इकट्ठा किया जाए तो इसका मलबा इतना बड़ा बन जाता है कि अल्टीमेटली आप एक लिंक की तरफ चले जाते हो कि ये लिंक भी मिस है ये लिंक भी मिस है ये लिंक भी मिस है ये लिंक भी मिस है, भी मिस है। अब किसी ने सोचा किसी ने ये बात कभी प्रॉपर तरीके से प्रॉप की कि तालबान को ले लो अलका को ले लो पहले दिन से कह रहे थे कि जी हमारा बेनज़ीर भुटो के मर्डर के साथ ताल्लुक़ी कोई नहीं हमने तो खातून को भी आज तक हाथ नहीं लगाया हमारी तो टारगेट है वो अमरीका है पाकिस्तान लीडरशिप तो है नहीं तो फिर क्या हुआ अलकायदा को तालिबान को कि दो हजार अठारह में एक किताब तालिबान की तरफ से आती है उस किताब में वो कहते हैं कि जी हमने मारा था अब 11 साल तक आप क्यों नहीं जिम्मेदारी कबूल की आपने क्या वजह होगी इसकी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर तो होंगे बेशुमार होंगे वरना इस तरह की जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो फ़ौर से पहले ज़िम्मेदारी कबूल करती हैं ताकि प्रोफाइल बड़ा हो जाए बेनज़ीर भुट्टो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी बेनज़ीर भुटो के मारने की जिम्मेदारी कबूल करने का मतलब यह था कि जो भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रोफाइल बहुत ऊपर चला जाता जा है जा और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश यही होती है कि उनका प्रोफाइल बड़ा बने वो इस तरह की बड़ी बड़ी चीज़ों की और यहाँ तक भी देखने में आया बल्कि मैंने भी कई चीज़ें पकड़ी थी कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने ज़िम्मेदारी कबूल की लेकिन उन्होंने नहीं मारा था वो सिर्फ अपना प्रोफाइल बढ़ाने के लिए वो तो बाद में पता चला कि ये इस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं था ये तो फलानी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम था तो इस हवाले से भी देखा जाए तो ये चीज़ें भी रहीं लेकिन वो होता ये है कि शायद पीपल्स पार्टी में बेनज़ीर भुट्टो के बाद कोई भुट्टो रहा नहीं गया ये, तो ये बिलावल भुट्टो भी जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं जो जाले मैंने जो देखे हैं एटी ऑनवर्ड मैंने जर्न की है ये गलबन ये मिसिंग पीपल्स पार्टी में भुट्टो एलिमेंट इज मिसिंग भुट्टो एलिमेंट मिसिंग जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी का पंजाब में बिल्कुल सफाया हो गया और सिंध तक सिर्फ सिंध की हद तक तो महदूद हो गया हाँ अगर भुट्टो होता जिसको ज्याला फील करता है मैं तो उनकी फीलिंग की बात करता हूँ अगर भुट्टो होता तो पीपल्स पार्टी पंजाब में इस तरह से साफ ना होती Obviously, वो साफ होगा तो बेनजीर भुट्टो के मर्डर के बाद जो भी उनको टारगेट जिन्होंने भी किया था उसमें रफ एलिमेंट था एस्टेब्लिशमेंट का जो जनरल परवेज मुशरफ ने कहा था हमें बताया था कि रफ एलिमेंट ऑफ दी एस्टेब्लिशमेंट अब रफ एलिमेंट ऑफ दी एस्टेब्लिशमेंट भी हमने पहली दफा सुना था कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई रफ एलिमेंट भी होता है लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी कि रफ एलिमेंट जब ये कह रहा है तो उसका मतलब बहुत पावरफुल एलिमेंट है रफ एलिमेंट आए नहीं होता जी। जो निचली सतह पे काम कर रहा है वो रफ़ एलिमेंट नहीं होता वो तो ताब्यादार होता है कि ऊपर वाले जैसे कहेंगे रफ़ एलिमेंट होता है कि यार कर दो ये, बाकी एस्टेब्लिशमेंट का बाकी हिस्सा साथ, सा, साथ देता है या नहीं देता कर दो या शामिल हो तो वो रफ़ एलिमेंट एस्टेब्लिशमेंट का अलकायदा उसामा बिन लादन टी टी पी बैतुल्ला मसूद लश्कर जंग बीबी अखोरा खटक का मदरसा उसके लड़के थे बीच में अब प्लानिंग करने में जो प्लानिंग की तैयारी होती है कि ये यह यहाँ से बात चली है और यहाँ तक गई है अखोड़ा खड़ा के मदरसे के लड़के थे वो पकड़े भी गए लेकिन ये है कि जस्ट टू ट्रेस दरारकी ऑफ दी कॉन्सप्रेसी पूरी दुनिया में एक बात तस्लीम शुदा है कि जब इस लेवल का मर्डर हो जाए तो हरारकी ऑफ़ दी कॉन्सप्रेसी उसको ट्रेस करना पड़ता है आपको ये नहीं है कि बॉम्बर है एग्जीक्यूटर है जिसने अपने आप को फाड़ा जिसने गोली मारी वो तो सबको पता चल जाएगा दस दिन नहीं गुजरेंगे पता चल जाएगा उसकी उम्र पंद्रह साल थी वो फलाने इलाके का रहने वाला था वो एक इनके हथे चढ़ गया टी टी पी के हथे चढ़ गया अलकायदा के हथे चढ़ गया उसको ट्रेन किया गया उसको हैंडलर जो कौन था हैंडलर ये था जिसने उसको जैकेट दी हैंडलर ये था जिसने उसको पनाह दी ये फलानी जगह थी ये तो आ ही जाएगा बट हेरकी ऑफ़ दानसप्रेसी ठीक है वो उसमें बुरी तरह से बेनज़ीर भुट्टो मर्डर केस में भी नाकामी हुई और पाकिस्तान में यही होगा खुदा खास खासतः कोई बड़ा ऐसा सानिया मुस्कबिल में भी हो जाता है तो एक बात तय हो गई है इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से होनी चाहिए हम फिर टेवे मार रहे होंगे टीवी पे बैठ के कि वो था वो था जैसे उस वक्त हुआ था जब ये बेनज़ीर भुट्टो का मर्डर हुआ लेकिन इसमें बेनजीर भुट्टो की दफा ये हुआ था कि एक थ्यूरी चली थी बेनजीर भुट्टो के मर्डर के बाद वो थ्यूरी क्या थी कि यार बेनज़ीर भुट्टो जो अपनी गाड़ी से बाहर आकर उसने बेहब किया क्राउड को ये उसको जरदारी ने कहा था तुम बाहर आओ बाहर आओ तो एक कॉमन सेंस थी ज़रदारी ने उसे मोबाइल पे कहा होगा ना किसी का तो मोबाइल इस्तेमाल हुआ होगा बेनज़ीर का मोबाइल था नाहद ख़ान का मोबाइल था या शरीर रहमान का मोबाइल था किसका ड्राइवर का मोबाइल था किसका मोबाइल था वो फौरन से पहले ट्रेस हो जाता है कॉल डिटेल्स हाथ मेरे देख रहे हो चुटकी बजा रहे कॉल डिटेल्स इन्वेस्टिगेटिव इदारों को और इंटेलिजेंस एजेंसीज को कॉल डिटेल में कोई मसला नहीं पड़ेगा मेरे लिए कॉल डिटेल लेना किसी मोबाइल की चंगा पला मुझे बाकायदा अप्रोच करना पड़ेगा हाँ। बाकायदा जो कल्टीवेट होंगे मेरे साथ सोर्सेज उनसे मैं निकलवा सकता हूँ वरना नहीं निकाल सकता अगर जरदारी ने कहा होता बेनज़ीर को तो कॉल डिटेल्स ऐसे ट्रेस होती फिर आप कॉल डिटेल में बता दें कि ये कॉल थी इसमें यह डिटेल थी अब जैसे बैतुल्ला मसूद और मौलवी साहब की कॉल डिटेल्स वायर टेपिंग थी ना कि टेलीफोन टेपिंग उसकी के मौलवी साहब जो थे वो बैतुल्ला मसूद को क्या कह रहे थे कि हमने बेनज़ीर भुट्टो को मार दिया हमारे बिलाल ने काम किया हमारे लड़के ने काम किया अब इस तरह की अगर चीज़ होती कि आसिफ अली जरदारी ने बेनज़ीर को कहा तो वो ऐसे फ़ौन से पहले सामने आए थी कोई ये तो नहीं कि बेनज़ीर भुट्टो किसी ट्रेन में सफ़र कर रही थी जिसमें बारह सौ बंदा बैठा हुआ था जिस गाड़ी में गिनती के चार पाँच लोग थे उस गाड़ी में तो उन सब के कॉल जितने कॉल डिटेल्स उस सब के मोबाइल्स लेके उसकी कॉल डिटेल ले अगर किसी ने डिलीट भी किया है, तो जहाँ तक जा चुके हैं आप फ़ौर से पहले ऐसे ट्रेस कर लेते हैं तो ये होती है कि जब हम इन चीज़ों में पड़ जाते हैं ना कि ये माझे ने किया काम दूजा कहता साजे ने किया कोई कहता अकबर ने किया है कोई कहता असलम ने किया है अब वो इस तरह की चीज़ें चलती हैं अगर प्रॉपर किस्म की इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी होती तो आज हम बैठ के बेनजीर भुट्टो के मर्डर के ऊपर इस तरह से बात ना कर रहे होते जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं पॉडकास्ट में अभी तो obviously it's been 16 years investigation जितनी भी हुई हम नहीं पहुंच सके कत्ल तक नहीं अगले सौ साल भी लग जाएं इसकी इन्वेस्टिगेशन में लॉजिकल कंक्लूजन में हम लोग नहीं जा सकते इट्स इंपॉसिबल ऐसे लगा जैसे आई बैक इनटू द पास्ट बिकॉज़ obviously थ्री मर्डर मिस्ट्रीज रिमेन A mystery. Thank you, sir, for being here today. And thank you guys for watching us today. Uh, you guys really need to stay tuned if you guys want to know what's next in Summer Podcast. Till then, stay tuned. Do not forget to share, like, and subscribe our Summer Podcast as usual. Bushakhan's leaving. Bye bye.